हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, टू माय ब्लॉग। कैसे हो भाई? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तो पीछे बेड है मेरा। तो भाई, सबसे ज़रूरी टॉपिक पे आज बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनानी थी क्योंकि टॉपिक इतना डीप ही है ये, इसीलिए टाइम लगा और दिन ढूंढा, मैंने छुट्टी ली काम से भी, तो इसीलिए फिर अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो टॉपिक यही है कि कई लोग डीएम करते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं कि भाई पैकेज सिस्टम लिया था फिर भी फंस गए, पैसे फंस गए हैं, रिफ्यूज़ल आ गया या कोई और इशू हो गया है। किसी भी कंट्री से होते हो भाई, स्पेशली यूके की बात नहीं करूँगा आज, किसी भी कंट्री से हो, लेकिन मैं मेन यूके को लेके चलूँगा क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ और आप लोग मेरे चैनल पर आते हो तो मेन यूके के लिए आते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैकेज और बिना पैकेज क्या क्या डिफरेंस है, और उसके बाद पैकेजेस के अंदर जो अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस वो एजेंट्स, अलग अलग एजेंट्स के ऊपर होती है, वो क्या चक्कर होता है और आप लोग कैसे फंस जाते हो या उस चीज़ को कैसे अवॉइड करें, भाई बचे रहें, सेफ रहें, सेफ साइड पे रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिना पैकेज वाला चीज़ क्या होती है। बिना पैकेज वाले में नॉर्मली यही होता है कि आपने अपनी लास्ट ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, पीएचडी की या जो भी किया, या ट्वेल्थ की, और आप एजेंट के पास गए, आपके बैंड्स वगैरह लिए, उसने आपके डॉक्यूमेंट्स लिए, ऑफर लेटर मंगाया, आपने फ़ीस पे की, आपका इंश्योरेंस हुआ, आपने एम्बेसी की फ़ीस दी, आपकी बायोमेट्रिक हुई, मेडिकल हुआ और आप आ गए या आपकी रिफ्यूज़ल आ गई, हो गया। दूसरा जो सिस्टम होता है, जो किसी को पता होता है किसी को नहीं पता होता, वो होता है पैकेज वाला। पैकेज वाले में क्या होता है, आप एजेंट के पास जाते हो, आप उसको कहते हो कि मैंने ये कंट्री सेलेक्ट की है, ये यूनिवर्सिटी है, ये क्या है, तो उसमें एजेंट आपको, बहुत रेयर चांस है कि यूनिवर्सिटी की चॉइस देगा जिसमें एजेंट आपको पैकेज ऑफर करेगा। पैकेज में क्या होता है, आपको सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद देने होते हैं। अब जो इसमें टाइप्स होते हैं जिसमें आप लोग फंस जाते हो, ये होते हैं, कई एजेंट्स ऐसे करते हैं कि फ़ीस आपसे पे कराते हैं और फीस प्लस पैकेज कर देते हैं, जैसे जिसमें इंश्योरेंस, मेडिकल, आपकी एम्बेसी फ़ीस सारी इंक्लूड होती है। जैसे कि आपको बोल देंगे कि फ़ीस प्लस 6 लाख या फीस प्लस 7 लाख, ये इंडिया का बता रहा हूँ मैं, आप पाकिस्तान में जैसे फीस प्लस 15 लाख या 50 लाख या 30 लाख, जैसे भी वहाँ की करेंसी का जो भी वैल्यू चलती है, उसमें क्या होता है, आपको, आपने फीस अपनी पे कर दी अपनी साइड से, अपनी सेविंग से, अपनी मनी से, जो भी आपके गार्डियन है, पेरेंट्स हैं, चाचा चाची हैं, जो भी हैं, और दादा दादी हैं, जो भी आप लोगों ने दिखाया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई हुई हैं, ITR जिनकी दिखाई हुई है, उन्होंने फीस पे कर दी, बाकी खर्चा एजेंट का है। उसमें केस में क्या होता है, अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो आपका बाकी कोई खर्चे का नुकसान नहीं होता, लेकिन फीस आने में 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, वही कट के आती है, कुछ पाउंड, कुछ डॉलर्स, अलग कंट्री है, अगर जैसे कैनेडा है उसमें 500 से 1500 डॉलर तक कट के आती है। मेरी आई थी, जब मेरी रिफ्यूज़ल आई थी उसमें मैंने खुद पैसे लगाए हुए थे, और जब आपकी ऑस्ट्रेलिया है उसमें आपके 1000 डॉलर से 2000 डॉलर तक कट के आती है, 5000 डॉलर तक कट के आती है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का फ़र्क होता है। जब मैंने यूके की फ़ाइल लगाई थी तो मेरा फुली पैकेज था। फुली पैकेज में क्या होता है, फ़ीस भी एजेंट भरेगा। उसमें यह है कि वीज़ा आया तो आपको सारा खर्चा देना है, वीज़ा नहीं आया तो आपका एक पैनी का, एक रुपये का भी नुकसान नहीं है। वो सिस्टम में मैं बोलता हूँ कि आप जाओ पैकेज में जाओ। उसमें सिर्फ आपका क्या होता है, अब आप कहोगे कि कोई एजेंट पागल है कि हमें पूरा पैकेज दे देगा बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एफिडेविट के या किसी भी चीज़ के, तो उन चीज़ों में तीन चीज़ करते हैं एजेंट। पहला, वो आपके बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं, एक आपका, एक आपके फादर का, अगेन आपके किसी भी गार्डियन का जो मेन आपके बैंक पे चल रहा है। उसके अलावा वो आपसे एफिडेविट लेते हैं कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट ये हमें दे रहा है, सबमिट कर रहा है, कर रही है, फेक हुआ तो यही जिम्मेवार है, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का कोई रोल नहीं है, हम कोई भी अपनी साइड से फेक नहीं लगा रहे, चाहे वो खुद लगा भी रहा हो लेकिन उसका सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगी। वो बैंक अकाउंट खुलवाएगा अपने एरिया में, अपने शहर में खुलवाए, अपने गाँव में खुलवाए, अपने स्टेट में खुलवाए। उसके अलावा वो क्या करेगा, उसके सारे चेक, जो उसके चेक्स होते हैं अकाउंट के, ATM होते हैं, सारा कुछ वो अपने पास रखेगा एज अ सिक्योरिटी, और वो आपको ये बोलेगा माइंड गेम के साथ कि ये सिर्फ फीस भरने के लिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि फीस तो आपके अकाउंट से भरी जाएगी ना, तो मैं इसमें भेजूंगा, फिर चेक काटूंगा या ITR कराऊंगा, या जो ITR कह रहा हूँ, सॉरी, NEFT कराऊंगा या जो भी कराऊंगा, वो इसलिए अकाउंट्स ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लेता है,
या कल को वीजा आ गया और आप लोग पासपोर्ट तो कह दो भाई तू रख ले हम नया बनवा लेंगे, हमें नहीं चाहिए वीजा, लेकिन चेक्स के दम पे वो आपके पेमेंट, आप ब्लैंक चेक भी होते हैं उसके पास, तो बस उसमें अमाउंट भर के बैंक में जमा करा के बाउंस हो गया तो आपके ऊपर केस कर सके। तो पैकेज भी लेते हो तो भरोसे वाले एजेंट से ही लेना है और भरोसे वाले एजेंट से ही आप लोगों ने सारा काम कराना है। तो पैकेज जिसके मैंने आपको बता दिया होता है फीस प्लस अनदर एक्सपेंसेस जो एजेंट करते हैं उसमें फीस आपको भरनी होती है। ये ऑप्शन भी मत लिया करो आप, क्योंकि इसमें भी यही है कि अगर बाय चांस आपकी रिफ्यूजल आ जाती है तो आपकी फीस जो कट के आएगी वो आपको नुकसान होगा, और वो 6 महीने में आए साल में आए कोई आइडिया नहीं है, यूके का तो बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा के टर्म्स पे ये हो जाते हैं कि आपको जीआईसी वगैरह भी पे करनी होती है, तो एजेंट्स आपकी जीआईसी आपसे भरवाते हैं फीस और अदर एक्सपेंसेस का आपको पैकेज दे देते हैं। अब हम बात करेंगे कि यूके के पैकेज कितने में और कैसे मिल सकता है, कितने की बात करें तो एजेंट के ऊपर है। अब फीस जो 6 महीने की होती है, 6 महीने के लगभग लगा लो 7 लाख है, तो जो उस मैं पे करके आया था अमाउंट वो मेरा था +7 और मेरा था 1 साल की फीस के साथ, तो मेरे लगे थे 14 फीस थी मेरी और 7 अबव 21, और 1 लाख का मेरा जो अदर एक्सपेंस हुआ था टिकट वगैरह का तो 22-23 लाख लग गया था। अब आप आते हो कहीं एजेंट 6 महीने की फीस के साथ करते हैं तो 14-15 में पैकेज मिल जाता है, मतलब 12 से शुरू है। जैसे बीपीपी यूनिवर्सिटी है उसकी फीस ही आपको लगभग 6 महीने की लगा लो आप 5.5-6 लाख पड़ती है, 6 लाख फीस के साथ 6 लाख ऊपर लगा लो 12-13 तो पैकेज। उसके पैकेजेस में आपकी शॉपिंग, आपकी टिकट्स इंक्लूड नहीं होती, वो आपको अलग से ही करवानी पड़ती है। जो स्कैम्स होते हैं वो यही है कि जब आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आप फुल वाला पैकेज लेते हो और आपका एजेंट इस चीज़ को मान गया कि फीस भी वो भर रहा है तो इसका मतलब है उसे उस फीस पे इंटरेस्ट देना होता है, तो वो पैकेजेस का रेट उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। जैसे 7+ फीस आपकी है, अगर फीस वो भर रहा है तो वो 8 कर देगा, इंटरेस्ट आपसे लेगा। अब 8 हो गया, उसमें आपको ये फायदा है कि अगर आ गया तो देना है, नहीं आया तो उसमें आपका रिस्क नहीं है भाई, आपको साल साल नहीं रुकना पड़ेगा भाई फीस वापिस आएगी। अब कई लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए, वो ये बोलेंगे कि जब 1 लाख इंटरेस्ट ही देना तो फीस हमारे पैसे भी तो बैंक में पड़े हैं, हम अपनी तरफ से भर देंगे। भाई भरने का इशू नहीं है, बाई चांस रिफ्यूजल आ गई साल आपका पैसा वापिस नहीं आएगा, उस साल का इंटरेस्ट देखो ना फिर आप। इसलिए सब कुछ एजेंट के ऊपर ही छोड़ के आप इसमें कर सकते हैं। और पैकेजेस में क्या है, पैकेज में आपको टेंशन नहीं है कि मेरा पैसा लगा हुआ, एजेंट जवाब नहीं दे रहा, एजेंट फोन नहीं उठा रहा, कोई इशू नहीं है। जब पैकेज में एजेंट नहीं करना है वो खुद आपको फोन करेगा बार बार, हर अपडेट देगा कि भाई यहां तक पहुंच गया हूं पैसे अरेंज कर लो, मेडिकल करा रहे हो पैसे अरेंज कर लो, ये करा रहे हो पैसे अरेंज कर लो, तो उस चीज में एजेंट आपके पीछे पीछे भागेगा। उसमें ये हो जाता है उनको फायदा होता है पैकेजेस में, उनको 1-2 लाख फालतू बचना होता है, इसलिए वो भी पैकेज लेने के लिए भागते हैं। क्योंकि यूके की रिफ्यूजल बहुत रेयर चांस होती है कि आए, किसी की भी रिफ्यूजल नहीं आती यूके की, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपके पास फंड्स हैं। और पैकेज लेने का यही फायदा होता है कि आपको फंड्स भी अपने नहीं दिखाने पड़ते, वो एजेंट आपका कोई ना कोई लोन का पेपर बना देता है, मैनेजर से सेटिंग करके नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देता है, बैंक स्टेटमेंट्स, उसका कोई इशू नहीं होता, वो सब एजेंट के हाथ में है। आपको कोई 6 महीने साल 2 साल पुराना फंड दिखाने की नीड नहीं है, वो सब एजेंट दिखाएगा, सारी सिरदर्दी एजेंट की हो जाएगी। उसमें सिर्फ आपको सिर्फ अपने टिकट शॉपिंग और जो करेंसी चेंज आप अपने साथ ले जाओगे वो करना है। और पैकेज अमाउंट जब आप लेते हो उसमें सिर्फ आपको 2 चीज़ों का जो ध्यान रखना है मेन वो यही है, एक अपने बैंक अकाउंट जो आप उसको खुलवा के दोगे वो नए नंबर पे देने हैं, अपने पुराने नंबर पे नहीं देने, पुराने नंबर पे दोगे या जो आपका डेली यूज का नंबर है तो उसमें यह है कि आपके साथ स्कैम और भी वो कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप नए नंबर पे दोगे वो नंबर भी वो रख लेगा, और उसमें कोशिश करना कि आप अपनी मेल जो दो मेल भी अटैच कराओ, कहीं होते हैं भाई मेल नहीं कराई, नहीं मेल भी कराओ कि ताकि मेल पे जो अपडेट्स आते रहे वो आपके पास आए, क्योंकि जो मेल आपके पास आएगी उसका जो पासवर्ड होता है वो जो भी आपने अपना वहाँ डॉक्यूमेंट दिया होता है, चाहे आधार कार्ड हो बैंक में सबमिट कराया होता है, चाहे वो हो क्या बोलते हैं उसका मैं नाम ही भूल गया, ITR भरने के, पैन कार्ड, इंडिया से आए हुए साल हो गया डॉक्यूमेंट्स का नाम भूल गया, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड का नंबर डालो, आपकी जीमेल की पासवर्ड स्कूल जाते हैं, आप अपना उससे आप अपडेट ले सकते हो कि मेरे अकाउंट की क्या अपडेट चल रही है। और कोशिश करें कि आप एजेंट जब आपको बोले कि आप हमें बैंक अकाउंट खुलवा के दो तो आप उसी बैंक अकाउंट उसी बैंक में जाएं जहां का ब्रांच
जैसे आपकी जगह में, आपके गांव में है या आपके शहर में, और वहां का कोई आपको जानता है, उससे आपका ये फायदा है कि जैसे अगर आपने HDFC में खुलवाया कुरुक्षेत्र, जैसे मैं करनाल से हूँ तो मैं अपने तरीके से एक जगह का नाम लेके बता रहा हूँ, हमने कुरुक्षेत्र खुलवाया और करनाल में आपके HDFC में कोई जान पहचान का है, तो वो आपको वहां पे आपका अकाउंट नंबर डाल के डिटेल दे देगा कि इस अकाउंट में इस दिन इतना पैसा आया, इस दिन इतना पैसा गया। आप अपडेटेड रह सकते हो कि आपके अकाउंट के साथ कोई पर्सनल छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। इस केस में आप एक सेफ साइड अपनी ये भी लेके चल सकते हो कि आप भी एक एफिडेविट एजेंट से करवा सकते हो कि मैं ये बंदा जो भी अपने अकाउंट्स दे रहा है ये सिर्फ अपनी स्टडी के पर्पस से या वीजा के पर्पस से दे रहा है, इसका पर्सनली मेरे को कोई भी यूज और कोई भी इशू नहीं है। तो आप दोनों चीजों से ये चीज कर सकते हो। और तीसरी जो चीज आपने करनी है, जो आपने एफिडेविट बनवा के देने हैं एजेंट को, उसकी एक एक कॉपी आपने अपने पास भी रखनी है, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स नकली नहीं है या कुछ भी है, उसकी एक एक कॉपी आपने अपने पास भी रखनी है। और फीस वगैरह जैसे ही वो भरता है, अगर आप अपने पैसे से भरते हो, कि कई लोगों के पास है कि भाई हम फीस खुद ही भरेंगे, हम नहीं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे सकते उसको, तो आप फीस की रिसिप्ट वगैरह सारा कुछ उससे अप टू डेट लेते रहें, और कोशिश करें कि जब वो फीस पे करने के लिए बोलता है तो आप खुद पे करें, अपने अकाउंट से पे करें उसकी मेल, अपने वो फीस की जो अकाउंट खोलता है यूनिवर्सिटी में आपका फॉरन में, उसकी ईमेल्स अपनी ओरिजिनल ईमेल्स डालें, ताकि आपके पास कल को फीस वापस जब आए, रिटर्न आए बाय चांस रिफ्यूजल के बाद, तो आपके पास उसकी भी अपडेट्स हों कि मेरी फीस आ रही है, कब आ रही है, कितना टाइम लगेगा, 6 वीक्स से लेके 12 वीक्स तक लगते हैं, तो कब आएगी, कैसे आएगी। अगर आप कनाडा के लिए करते हो तो GIC भी वापस आती है, उसकी भी अपडेट आपके पास होनी चाहिए, वरना एजेंट्स तो अपने अकाउंट में मंगा लेते हैं। अब मेरी बारी क्या हुआ था, मेरी जब GIC भरी थी तो भरी मैंने अपने अकाउंट से थी, क्योंकि स्टूडेंट के अकाउंट से सीधा स्टूडेंट के अकाउंट में जानी थी, फिर वहां से रिफ्यूजल आ गई तो मैंने फाइल दे दी ऑस्ट्रेलिया के लिए पैकेज में। उसमें क्या था, ऑस्ट्रेलिया के लिए जब फाइल दी तो अकाउंट खुलवाए सेम, उसमें जब एजेंट ने GIC मंगानी थी उसने मेरे उस अकाउंट में मंगा ली जो अकाउंट उसके पास था, लेकिन एजेंट थोड़ा अच्छा था, भरोसे वाला था, उसने वो मुझे कहा कि उसमें रिटर्न रेट अच्छा चल रहा था, एक्सचेंज रेट कनाडा का, तो इसलिए HDFC में मंगाई, अपने तेरे दूसरे अकाउंट में नहीं मंगाई जिससे भरी थी। लेकिन हर एजेंट ऐसा नहीं होता, आप किस एजेंट के पास जाते हो, आजकल एजेंट्स का कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात यही है कि मैं एक प्रोफेशनल एजेंट नहीं हूँ, लेकिन जितने एजेंट्स को मैंने डील किया है ना, मुझे नहीं लगता कोई करता है, इसलिए मुझे एजेंट्स का जो एक्सपीरियंस है ना, जो पैकेज वगैरह का ये सिस्टम है, बड़ा गंदा है। तभी मैं आप लोगों को कहूँगा कि ध्यान से फूक फूक के कदम रखें, क्योंकि सारी जिंदगी की कमाई किसी के पेरेंट्स लगाते हैं किसी को बाहर भेजने के लिए, क्योंकि जिनके पास अंधा है वो बाहर नहीं आते। आप लोग मेहनत करने के लिए आते हो तो मेहनत के ही पैसों से आते हो, तो कोई लोन उठा के आता है, कोई कर्जा लेके आता है, या कोई कैसे भी आता है, कोई किसी और की सपोर्ट से आता है, पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं होता, पैसा पैसा कमाने के लिए होता है, कि हम कहीं पे पैसा लगा के या तो अपनी ज़रूरतें पूरी करें या और पैसा कमाएं। इसलिए प्लीज़ सेफ रह के, एजेंटों के चंगुल से बच के, और थोड़ी बहुत रिसर्च अपने लेवल पे करके, गूगल कर लिया या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में देख लिया, ब्लॉग्स देख लिया, ऐसे करके नॉलेजेस लेके आप लोग स्टेप उठाया करो। मेरा मेन मोटिव यही होता है कि कोई गलत ना फंसे, जैसे हम फंस गए थे कनाडा की बारी या फिर UK की बारी भी या ऑस्ट्रेलिया की बारी, तो किसी भी चीज में आप लोग फंसो ना, मेरा मेन मोटिव यही होता है। अगर मेरा मेन मोटिव YouTube से कुछ और हो तो मैं रोज रोज व्लॉग डालू टाइम निकाल के, हाँ भाई चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा ये होता है भाई कोई भी टॉपिक मैं ऐसा पकड़ू जिस टॉपिक पे मुझे वीडियोस नहीं मिली थी, ताकि आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो मिले, ठीक है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।